वेलकम स्टूडेंट्स, आज आप कर रहे हैं बेटे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 दा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्यों बेटे? पार्ट नंबर 1 दे विच आपा फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। जे तुसी ओ वीडियो नहीं देखी तो पहला प्लीज ओ वीडियो देखो ताकि तुहानू समझ आ सके कि आपा फ्रैक्शंस किद्दां सिखियां सी, किद्दां उन्हां दा प्लस करना सिखियां सी। ठीक है जी, अज आपां हुण कर रहे हैं इहदा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे विच की स्टेटमेंट है कि ए इक ट्रायंगल है एबीसी, इक त्रिभुज है एबीसी जिहदियां तिन्नों साइड्स आपां नूं गिवन ने, तिन्नों भुजावां दित्तियां होईयां ने, ते आपां नूं पता करन लई की कहा बेटा इन्हां दा पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विच वन ए बी सी। तो पैरीमीटर नूं बेटे आपां पंजाबी दे विच की कहने आ, परिमाप या घेरा, परिमाप या घेरा। तो परिमाप या घेरा किहदे बराबर हुंदा है? त्रिभुज दा तिन्नों भुजावां दा जोड़। तिन्ने भुजावां केहड़ियां ने अपने कोले? ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, तिन्नों साइड्स दा सम ही पैरीमीटर हुंदा है। तो ए बी साइड बेटा कितनी दित्ती हुई है? 5/6, बी सी 2/3, ते सी ए 7/10। तो तीनों साइड आपां नूं दित्तियां हुई हैं, ते जोड़ आपां किद्दां करना है? जिद्दां पिछली वीडियो दे विच सिखिया सी, पहला आपां 6, 3 ते 10 दा एलसीएम लेना है। जो डिनोमिनेटर ने उन्हां दा एलसीएम लेना है। ज्यादा जेहड़े डिजिट ने केहड़े टेबल ते जा रहे ने? 2 ते। ठीक है जी, फिर किन्ने ते जाणगे? 3 ते, नैक्सट 5 ते। तां अपना एलसीएम किन्ना आएगा? 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30। 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30। ठीक है जी, तो 30 एलसीएम आ गया। तो अगे मैं किद्दां सिखाया सी बेटा कि डिनोमीनेटर नूं, आ तीनों डिनोमीनेटर ने इहदे नाल डिवाइड कर करके आंसर लिख लो। 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 30 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 5 ਤੇ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 30 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 10 ਤੇ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 30 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 ਟਰਮਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਫਲੋ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ 5 ਸੀ, ਇਹਦੀ 2 ਸੀ, ਇਹਦੀ 7 ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 5 × 5 = 25, 10 × 20 = 20, 7 × 3 = 21, ਸਭ ਦੇ ਓਵਰ 'ਚ 30। ਤਾਂ 5 × 5 = 25, 10 × 2 = 20, 3 × 7 = 21। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? 66/30। ਹੁਣ 66 ਤੇ 30 ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 66 ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? 22 ਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? 10 ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 22 ਤੇ 10 ਵੀ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਟਾ ਲਓ। 11 ਤੇ 5, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? 11/5। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? 2/1/5, 2 = 1/5, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ट्रायंगल एबीसी, परिमाप त्रिभुज एबीसी दा। ठीक है बेटे, समझ आ गया। तो ये है तो यह पहले वाला ही सम सी, छेवीं वाला ही सम सी, उहदे विच भी परिमाप कढ़े सी। डिफरेंस की सी कि तुहानू इहदे विच फ्रैक्शन वाली साइड्स दित्तियां होईयां सी। ठीक है, फार्मूला उही है पैरीमीटर दा, घेरे दा, कि तिन्ने भुजावां दा जोड़। भुजावां दा जोड़ दे विच फ्रैक्शनस आ गईआं अपने कोले। फ्रैक्शनस वाला मैथड ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
रमेश स्टडीज फॉर 5 whole 2/3 hours डेली। रमेश सारे दिन विच 5 सही 2/3 घंटे पढ़ता है। ही डिवोट्स 2 whole 4/5 hours ऑफ दिस टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओह इस पूरे टाइम दे विचों इन्ने टाइम साइंस ते मैथ ही पढ़ता है। हाउ मच टाइम डज ही डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स। कहने दसो बाकी सब्जेक्टा दे लई ओह किन्ना टाइम डिवोट करता है। ता इहदा सोल्यूशन देखो बेटे, पहला आप लिखांगे रमेश स्टडीज डेली 5 whole 2/3 hours। सारे दिन विच रमेश पढ़ता है 5 सही 2/3 घंटे। ठीक है जी। ही डिवोट्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख लेने हैं, कितना टाइम है ना दो सब्जेक्ट्स नो दिन है 2 whole 4/5 hours। ओहो साइंस अते गणित लई समा दिंदा है किन्ना बेटे 2 सही 4/5। हुण थोड़ी देर रुक के ना खुद सोच के देखो कि की आपां इन्हां नूं प्लस करना है के माइनस करना है। इन्ना टाइम वो सारे दिन च पढ़ता है ते उहदे विच्चों इन्ना टाइम तां कल्ला साइंस ते मैथ ही पढ़ता है, तां बाकी सब्जेक्ट्स लई ओह किन्ना टाइम देवेगा आपां नूं इस टोटल टाइम दे विच्चों इह दो सब्जेक्टां दा टाइम जिहड़ा है माइनस करके बाकी सब्जेक्टां दा टाइम पता लग जाएगा। तां आपां इत्थे लिखांगे टाइम डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स बाकी विषयां नूं दित्ता समा। किवें लिखांगे राजे, सारा टाइम है अपने कोले 5 whole 2/3, 5 सही 2/3, इहदे विच्चों आपां साइंस ते मैथ दा टाइम है जिहड़ा उह माइनस कर देना। तो इस तो पहला वाली वीडियो दे विच बेटे आपां ने इह मिक्स नंबर भी खोलने सिखे सी, किद्दां इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करना है ते जो आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर नूं उस विच प्लस कर देना है। तो 5 3 15 15 दे विच 2 जोड़े 17, 5 3 15, 15 + 2 17। तो पहले दा आंसर आ गया 17/3। दूजे का देखो 5 2 10, 10 + 4 जोड़े 14, 5 2 10, 10 दे विच 4 जोड़ांगे तां 14। देखो जी इन्ना समझ आ गया। हुण इह दो ही टर्म्स ने अपने कोले, तां इत्थे बटरफ्लाई मैथड लगा सकदे हां। जिहड़े बच्चे अज पहली बार इह वीडियो देख रहे ने उह पहलां फस्ट वाली वीडियो, इस तों पहलां वाली 2.1 पार्ट 1 देखो तां कि तुहानूं इत्थों बटरफ्लाई मैथड ईजीली समझ आ सके। ते बेटा जे हाले तक तुसीं मेरा चैनल नहीं सबसक्राइब किया तां कर लो राजे, क्योंकि नैक्सट वीडियो जदों भी आऊगी तुहानूं सब तों पहलां पता लग जाएगा। उस दे नाल इक बैल बनी हुंदी है, वह बटन भी प्रेस कर दो ताकि तुहाडे कोल नोटिफिकेशन भी आ सके कि मैं एक नवी वीडियो अपलोड करती। चलो जी चलते हैं आपां बटरफ्लाई मैथड लगाने हैं। 5 नूं 17 नाल मल्टीप्लाई करना है, किन्ना आंसर आएगा जी 85। इनू इधर मल्टीप्लाई करना है किन्ना आंसर आएगा 42। इनू आपस च मल्टीप्लाई करना है किन्ना आंसर आएगा 15। तो किद्दां सी जी बटरफ्लाई मैथड, इधर नूं मल्टीप्लाई, इधर नूं मल्टीप्लाई ते इन्हां दी आपस च मल्टीप्लाई। ठीक है, हुण 85 दे विच्चों आपां 42 माइनस करने ने किन्ना आ जाएगा जी 43/15। ये फिर अपने कोले इमप्रॉपर फ्रैक्शन है, अणउचित भिन्न है, इन्हों आपां फिर मिक्सड नंबर दे विच बदलना है। जदों मिक्सड नंबर दे विच बदलांगे तां इहदा आंसर आ जाएगा बेटा 2 सही 13/15 hours। जी मूव ऑन टू नैक्सट क्वेश्चन बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन। नाल नाल मैं पंजाबी मीडियम वाले बच्चों भी दसी जा रही हूँ, ठीक है, पंजाबी दे विच भी दसी जा रही हूँ, ठीक है, समझो अगला क्वेश्चन।
सोनिया जॉग्स वंस अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। जॉग्स मतलब और रनिंग कर रही है, इस दे आस पास रनिंग कर रही है, जॉगिंग कर दिया ना अपा, ते उस पार्क दी साइड्स किनिया ने, दिस एंड दिस, ठीक है। तो आपां जिहड़ी साइड वड्डी लगी, 12 होल है ना, 12 पूरे इहदे विच 10 पूरा है, तो 12 वाली वड्डी लगी मैं इहनूं लंबाई च लिख लिया, 10 वाली मैनूं छोटी लगी मैं चौड़ाई च लिख लिया, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनिया, तो सोनिया ने किन्ना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। हुण स्टेटमेंट नूं दुबारा पढ़ो, किन्ने गेड़े लगाए ने उहने, इह पढ़ना है। सोनिया जॉग्स वंस, वंस मतलब सिर्फ एक बारी ही इहदे आसपास गेड़ा लगाया, ਤਾਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾਏ सोनिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। पंजाबी कितना लिखांगे, सोनिया द्वारा तय कीती दूरी बराबर है आयताकार पार्क दा घेरा भी लिख सकते हो, परिमाप भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों चो एक चीज़ लिख दियो। तो हुण आपां सिक्स्थ दे विच फार्मूला याद किया होया, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, इहदा फार्मूला हुंदा है। तो इहदे विच वैल्यू भरो, एल लंबाई किन्नी है 12 सही 1/2, चौड़ाई किन्नी है 10 सही 2/3। तो हुण इहदे मिक्सड नंबर है, ये मिश्रित भिन्न है, तो इहनूं पहलां आपां खोलांगे, इमप्रोपर बनावांगे, इदां पहलां इहनां नूं मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा इहनूं प्लस करना, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 25, 10 × 3 = 30, 30 × 2 = 32। हाँ जी, 12 × 2 = 24, 24 + 1 = 25/2, 10 × 3 = 30, 30 + 2 = 32/3। हाँ जी, देखो इतने तक समझ आ गया बेटे। फिर इतने फिर अपने को दो फ्रैक्शन ही ने बेटे, बटरफ्लाई मैथड ही लगाना है। 3 × 25 ना मल्टीप्लाई करना है, किन्ना आजूगा 75, 32 × 2 ना करना है 64, इन्हों आपस गुणा करना है 6, ठीक है। तो बटरफ्लाई मैथड 3 × 25 ना मल्टीप्लाई किया, 2 × 32 ना मल्टीप्लाई किया, इन्हों आपस मल्टीप्लाई किया, 75 दे विच 64 जोड़ के रखो फटाफट 139। हुण ये सम देखो, जिवें मल्टीप्लाई आ गया ना साइन विच, अपनी नैक्सट एक्सरसाइज सारी इसे तरह के क्वेश्चन ने, आपां फ्रैक्शनस की मल्टीप्लाई सीखनी है। तो आपां नूं देखो उस तो पहली एक्सरसाइज च सम आ गया, हुण इत्थे 2 है, मल्टीप्लाई का साइन है, एक फ्रैक्शन है, 2 जिहड़ा है वह न्यूमीरेटर च है, मतलब इहदे ओवर च 1 है, तो उपर वाला अक्षर नीचे वाले अक्षर ना कट सकता है, न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर ना कट सकता है, जे उहनां दे विच मल्टीप्लाई का साइन है। होर ज्यादा इहनूं वधिया तरीके नाल आपां अगली एक्सरसाइज दे विच सिखांगे। तो अपने कोल आंसर की बचा बेटा 139/3, तो इहदे विच भी न्यूमीरेटर वड्डा है, आपां इहनूं मिक्सड नंबर दे विच चेंज कर लांगे, जिहड़ा कि अपने कोल आ जाएगा 46/1/3, सारा कुछ मीटर चली जाता है, तो अपना आंसर भी मीटर दे विच ही आएगा, ठीक है बेटे। तुहानू समझ आ गया है सब, एक बार फिर दोबारा देख लो, सोनिया सी वह इस रैक्टेंगुलर पार्क के आस पास सैर कर रही है, जॉगिंग कर रही है, पर इको बारी जॉग करती है, इको बारी गेड़ा लगाती है, तो आप देखिए कि जे इधर इधर एवं बाउंड्री से दूरेंगे तो एक पैरीमीटर पूरा होंगे, एक चक्कर के एक घेरा वह पूरा हो जाता है। तो जिहड़ा टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं अपने तो किवें कढ़िया जाऊगा, पैरीमीटर कढ़ के, परिमाप कढ़ के। तो आप परिमाप का फार्मूला लिख लिया, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई ते चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों दित्तियां हुई सी आपां भरतियां, उन्हां नूं मिश्रित अंक सी आपां खोल के भिन्न बना ली, तो इत्थे आपां बटरफ्लाई मैथड लगा के जोड़ कर लिया, तो इत्थे आपां
गुणा दे विच सी तां दोनों दो अक्षर कट रहे सी, अपने कोले दो संख्यावां कटानियां ते एंड ते जदों आंसर आया फिर अपने कोले इनप्रॉपर फ्रैक्शन आई है उहनूं आपां मिक्सड फ्रैक्शन दे विच चेंज कर। हाँ जी, ते अज दी वीडियो दा अपना लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट, रितु कलर्ड अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। रितु एक बच्चा कहिंदे कलर करदा है पिक्चर नूं इन्ने घंटियां दे विच। वैभव एक दूसरा बच्चा है, वैभव कलर द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। जिहड़ा वैभव है बच्चा वो उसे पिक्चर नूं सेम पिक्चर नूं 3/4 आवर्स दे विच कवर करदा है। Who worked for a longer time? ज्यादा समा किसने लिता पिक्चर नो कलर करने लिए, ज्यादा टाइम किने लिता, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन ते किन्ना ज्यादा टाइम लिता। ठीक है, तो इहदा मतलब इस सम दे विच आपां नूं दो क्वेश्चन पूछे गए ने। केड़े दो क्वेश्चन राजे? भी एक ने तो इन्ना टाइम लिता है, एक ने इन्ना टाइम लिता है, दोनों चो वध टाइम किने लिता है, एक क्वेश्चन तो यह हो गया। तो इन दोनों चो जिन्हें वध टाइम लिता उन्हें किन्ना वध टाइम लिता। ठीक है, तो यह दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलो आपां इहनूं करना शुरू करते हैं। सीख रहे हो ना वधिया महल क्लासेस दे नाल समझ नूं, इंजॉय कर रहे हो? तो फिर जे आप इंजॉय करके सीख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स नूं भी लिंक शेयर करो ताकि वह भी वीडियोस देखन ते मैथ वधिया तरीके नाल सीख सकन। चलो जी करते हैं सम आपां। रितु कलर्ड अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। इथे इक्वल टू दा साइन भी पा लो। वैभव कलर्स ए पिक्चर इन 3/4 आवर्स। आपां पहलां देखना भी इहनां चों वध टाइम किहने लगाया, इहनूं सम नूं ध्यान नाल देखना क्योंकि इस तरह दा सम पहलां नहीं आया। अपने कोले दो फ्रैक्शनस ने, आपां नूं नहीं पता केड़ी वड्डी है केड़ी छोटी है, तो इस करके मैं इत्थे एक बॉक्स बना लिया। मेरे विच बाद चो निशानी लगाऊंगी भी किधरली जिहड़ी रकम है वो फ्रैक्शन है जिहड़ी वो वड्डी है। तो मैथड देखो बहुत ही सौखा है, तुसीं की करना है इधर वाले अक्षर नूं इधर मल्टीप्लाई करना है, इस डिजिट नूं इधर मल्टीप्लाई करना है। देखो किन्ना आ गया, 7/4 = 28, 7 × 4 = 28, इधर वाले नूं चक के उधर लै जाना है, 12 × 3 = 36, बॉक्स अपना उत्थी है। हुण इस सवाल दे विच गड़बड़ कित्थे हुंदी है? कई बार बच्चे की करते ने आ 7 वाले नूं तां मल्टीप्लाई इहदे नाल करके इधर लिख देंदे ने, इहनूं इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंदे ने। गल समझ आई की गड़बड़ हुंदी है? मतलब जो अक्षर इत्थे है वह इत्थे ही रहूगा। आपां इहनूं होर थोड़ा खोल के लिखदे आं फिर तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा। इत्थे 7 ही लिखना है, इधर 3 ही लिखना है, मतलब आ न्यूमीरेटर आपां चेंज नहीं कर रहे, ये इत्थे ही ने। आ वाले 4 नूं चक के इधर लैके आना, इहनूं 12 नूं चक के उधर मल्टीप्लाई च लैके जाना। क्लीयर हो गया? मतलब न्यूमीरेटर वाली थां नहीं बदलनी। इधर नाल लिख भी सकते हो कि यह रितु वाला खाना सी, यह वैभव वाला। ठीक है, रितु एवें बनता बेटे पंजाबी दे विच, वैभव। ठीक है, इदा पाएगा। हम 7 × 4 = 28, 12 × 3 = 36। ठीक है, तो केड़ा वड्डा है? 36। तो इधर आप वड्डे की निशानी लाती, तो वड्डा 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 कौन सी जी? वैभव। तो आप कहांगे वैभव टेक्स लोंगर टाइम। वैभव कुछ मैं लग्या कि स्पैलिंग गलत ने, ऐदा नहीं होने चाहिए। वैभव, वैभव ने समा वध लिया, एक पार्ट अपना सम का पूरा हो गया। उन्हें कहा सी हू वर्कड फॉर ए लोंगर टाइम, किसने ज्यादा समा लिता, तो अपना इतने एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि हाँ जी वैभव ने ज्यादा समा लिता। हुण अगला पार्ट है बाय वट फ्रैक्शन, किन्ना टाइम उसने वध लिता। बाय फ्रैक्शन वध समा लिया, किवें लिखांगे जी? वड्डा कौन आया सीगा? 3/4, तां उहदे चों ही माइनस होगा ना, वड्डे चों ही आपां छोटी रकम माइनस कर सकते हैं, छोटे चो वड्डे करांगे तो फिर माइनस च आंसर आऊगा, वह तो इत्थे चाहिए नहीं आपां नूं।
अपन तो समा पॉजिटिव चाहिए इतने आप थोड़ी कहेंगे माइनस अच घंटे वो लाए ठीक है तो वही रकम मूहरे तो छोटी रकम पिछे दो ही ने बटरफ्लाई मैथड लगा दो बारह ती छत्ती छत्ती है बेटा सत चौका अठाई बटे बारह चौक अड़ताली देखो ट्वेल्व थ्री जार थर्टी सिक्स सैवन फोर जार ट्वेंटी एट ट्वेल्व फोर जार फोर्टी एट मैं दो मिनट लिए इतने एक सकेंट दो मिनट नहीं बस एक सकेंट लिए रुक रही हूँ ध्यान ना दोबारा देख लो भी थोड़ा ये समझ आ रहा है ना थर्टी सिक्स के अपा ने बेटे ट्वेंटी एट माइनस कर लेने तो अपने को आंसर कि बच जाएगा एट ओवर फोर्टी एट न्यूमीरेटर तो छोटा है ना मिक्सड फ्रैक्शन च बदलने की लोड़ तो है नहीं गी पर देखो कि उपर वाला जोड़ा न्यूमीरेटर है वह डिनोमीनेटर के नाल कटद किसी टेबल से एट तो फोर्टी एट कटते ने यस यू आर ट्रू ठीक है तो एट के टेबल से ही फोर्टी एट आ किन्ने ते आ जी छे ते आठो छीक अड़ताली एट के टेबल से एट आया वन ते अड़ताली आया छे ते कि आंसर आ जाएगा वन ओवर सिक्स सारा कुछ आर्स के चल रहा है आप भी इतने आर्स लिख देवे घंटे पंजाबी घंटे लिख दौ ठीक है। हाँ जी ये बेटे अपने टू पॉइंट वन के जेडे क्वेश्चन पिछली वीडियो के रह गए थे थोड़े लेंथी से इस करके मैं लिए इदा अलग वीडियो बनाई है तो इन्हों बेटे एक बार वीडियो देख के ना छड़ियो दोबारा खुद हल करियो फिर नहीं कुछ समझ आ रहा फिर दोबारा वीडियो देख लियो क्योंकि ये वाले क्वेश्चन राजे ज़्यादा नंबर के आते होंगे चार या पांच नंबर या छे नंबर के क्वेश्चन आता तो इतने थोड़े नंबर ना कट्टे जान थोड़े हंडर्ड आउट ऑफ हंडर्ड आन महल क्लासिस तो पढ़ रहे हो ना तो इस करके इन्हों दब के प्रैक्टिस करो बाय बेटे।